अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम इन इंग्लिश क्लास फॉर लेवल टू एंड इट्स 12th लेक्चर एंड यू नो दैट वी हैव टू डिस्कस द यूनिट नंबर 5 दैट इज द मुल्ला सन। फर्स्टली आई गिव द शॉर्ट रिव्यू ऑन द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर का आप लोग को शॉर्ट रिव्यू इसलिए स्टूडेंट बार बार दिया जाता है ताकि जो लेक्चर हम कर रहे हैं, जो लेक्चर पढ़ा गया है, उसमें एक लिंक क्रिएट हो सके, क्लियर है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में रीडिंग को वाइंड अप कर लिया था, जो कि एक ऐसा स्टोरी थी, हमने उसको पढ़ा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आज हम उसका बुक वर्क करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। एंड ये आपके पेज नंबर 36 पे मेंशन है स्टूडेंट। सो आई विल स्टार्ट इट। पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर। उन्होंने कहा है ये जो सेंटेंस आपको स्टूडेंट नीचे नज़र आ रहे हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। कहते पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर। सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में पुट करें। द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द करेक्ट प्लेस। कहते जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, इसका वो करेक्ट प्लेस पे है। यहाँ पे सेंटेंस है स्टूडेंट कुछ, वो उसको हम रीअरेंज करेंगे, वो करेक्ट प्लेस में नहीं है। और आप इसको अरेंज करें कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी इजी वे। आपने स्टोरी को फुली रीड आउट किया है ना, तो आप उसी के मुताबिक करेंगे। स्टोरी में पहले क्या हुआ, देन क्या हुआ, देन 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 क्या हुआ, ठीक है। वैसे ही हम स्टोरी को, ये जो सेंटेंसेस है उसको करेक्ट ऑर्डर में पुट करते जाएंगे। सो लेट्स मूव स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो है देर वॉज अ फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो करेक्ट प्लेस पे मौजूद है, क्लियर है। आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, His mother chased him। देखे स्टूडेंट डायरेक्ट मदर पे आ गए हैं, ये तो गलत है। The मुल्ला came home and went to his son। जो मुल्ला है वो घर आता है and went to talk his son, और अपने बेटे से बात करने के लिए चले जाता है। स्टूडेंट ये भी रॉन्ग है क्योंकि वो आता ही नहीं पहले। स्टोरी में हुआ क्या था, थिंक अबाउट इट, वो सोचें, ओके। मैं पहले सारे सेंटेंसेस को रीड आउट करती हूँ। द मुल्ला हैड अ सन हु वाज 6 ईयर ओल्ड। मुल्ला का एक बेटा था जो 6 साल का था। आप देखें 6 साल मुल्ला के जो सन है उसका बाद में बता रहे हैं, और मुल्ला सन से पहले मिलने चला गया, ठीक है, ये राइट ऑर्डर नहीं है। द मैन्स नेम वाज मुल्ला डू प्याजा। द बॉय हिड अंडर हिज बेड। ही जॉइंड हिज सन अंडर द बेड। वन डे द सन बिहेव्ड वेरी बैडली। सो स्टूडेंट अभी इसको हम करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं। सो आप ये जो आपने स्टोरी रीड आउट की है, आप उसको अपने माइंड में रखें और इस तरह ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप करेक्ट प्लेस पे हम किस तरह लिखें, फर्स्टली क्या होता है, देयर वाज अ वेरी फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट। ऑब्वियसली सबसे पहले उन्होंने जो आपका फर्स्ट सेंटेंस था वो ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में मौजूद था, कि क्या इसमें बताया गया है, फनी मैन जिसका नेम था, देयर वाज अ फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट। यहाँ पर एक फ़नी आदमी मौजूद था अकबर की अदालत में। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी साथ साथ देखेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, दिस मैन नेम वाज मुल्ला डू प्याजा। ऑब्वियसली अब हम इसका नेम बताएंगे, फ़नी मैन का, तो ये क्या है, उधर सेंटेंस किस ऑर्डर पर मौजूद है, किस ऑर्डर पर है, ई पे, क्लियर है। तो उसका नेम क्या है, दिस मैन नेम वाज मुल्ला डू प्याजा, उसका नाम मुल्ला डू प्याजा होता है। नेक्स्ट क्या होता है, द मुल्ला हैज़ अ सन हु वाज 6 ईयर्स ओल्ड, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपने स्टोरी को रीड आउट किया है बहुत अच्छे से, तो दैट इज़ वेरी इजी टू अरेंज दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को अरेंज करना टफ नहीं है अगर आपने प्रॉपरली स्टोरी को पढ़ा है। आगे नेक्स्ट क्या होता है, द मुल्ला हैज़ अ सन, मुल्ला का एक बेटा है, हुआ 6 ईयर्स ओल्ड, जो कि 6 साल का था। नेक्स्ट, वन डे द सन बिहेव्ड वेरी बैडली, एक दिन उसके बेटे का जो रवैया है वो बहुत बुरा होता है। हिज मदर चेज्ड हिम, उसकी मम्मा उसका पीछा करती है। द बॉय हिड अंडर हिज बेड, जो लड़का है वो बेड के नीचे छुप जाता है। द मुल्ला केम होम, मुल्ला घर आता है एंड वेंट टू टॉक हिज सन, और जो मुल्ला है वो अपने बेटे से बात करता है। ही जॉइंड हिज सन अंडर द बेड, ही जॉइंड कि वो अपने बेटे को जॉइन करता है, अपने बेटे से मिलता है या अपने बेटे के साथ रहता है अंडर द बेड, बेड के नीचे। अब ये देखें
स्टूडेंट ये एज इट इज़ जैसे आपने स्टोरी में पढ़ा है ये वैसे ही अरेंज करना है. क्लियर है स्टूडेंट? होप सो आप सबको समझ आई होगी. सो आई मेंशन अ डायरी फॉर यू. बुक वर्क लर्न एंड राइट ऑन योर नोटबुक. थैंक यू.